हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मेनका एंड शोभा ब्लॉग। और मैं हूँ मेनका देओल। तो आज हमारी ब्लॉगिंग है मेले के ऊपर, क्योंकि हमारा सडनली प्लान बन गया था मेला देखने का। तो हम वहाँ पे पहुँच गए और हम तैयार भी नहीं थे अच्छे से, और फिर भी हमने सोचा क्यों ना इसके ऊपर ब्लॉगिंग कर लें। तो और ना देरी करते हुए करते हैं इस ब्लॉग को स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी देखने के लिए, जैसे डायनासोर पार्क और भूतिया घर और बर्फ़ की गुफा, और भी काफ़ी चीज़ें थी शॉपिंग करने के लिए भी, जैसे क्लोथ्स, क्रॉकरी और डेकोरेशंस की थिंग्स। तो फर्स्ट हम गए डायनासोर पार्क में, जो कि रोबोटिक डायनासोर पार्क था, और ये बहुत ही प्यारा मुझे लगा, सबसे ज़्यादा यूनिक मुझे यही लगा, क्योंकि एक एग के शेल में से डायनासोर बाहर आ रहा, इतना क्यूट था वो, मैं बता नहीं सकती। और ये पार्क तो बच्चों के लिए परफेक्ट था, क्योंकि उनको एक इन्फॉर्मेशन भी मिलती थी, और अगर कोई बच्चा एनिमल्स लवर है तो उनको यहाँ पे ये रोबोटिक चीज़ें देख के बहुत फन होने वाला था। तो ये बहुत ही अमेजिंग मुझे लगा बच्चों के लिए स्पेशली। और हमें ये भी पता चलता कि डायनासोर इस दुनिया में थे, इस धरती पर थे, लेकिन अब वो अलुप्त हो चुके हैं। तो इस वाले जो था ना डायनासोर, हमें शक था कि इसके अंदर ह्यूमन है, तो बट ये मुझे लग रहा था रोबोटिक है, लेकिन तेजपीठ को लग रहा था कि नहीं इसके अंदर कोई है। तो आप देख ही सकते हैं, अभी तक ये हम कंफ्यूज है कि इसमें क्या था। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता कि ये रोबोटिक था या इसके अंदर ह्यूमन था, क्योंकि ये वॉक भी कर रहा था और स्टैंड भी हो रहा था और मूवमेंट भी कर रहा था। जिन जिन को पता है कि मेला लग चुका है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि ये वाला पार्क तो ज़रूर देखें। टिकट इसकी मेरे ख्याल में है 60 रुपीज़, सो इट्स नॉट टू मच एक्सपेंसिव, और बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट भी होने वाला है, और आप सेल्फी ले सकते हो, वीडियो बना सकते हो। यहाँ पे बच्चों के लिए झूले भी थे, बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी बहुत कुछ था। तो यहाँ पे झूले भी थे जो कि बहुत ही मज़ेदार थे। कॉक शूटिंग इज़ अ फेवरेट गेम ऑफ तेजपीर, तो इनको बहुत ही मज़ा आता है, ये बहुत ही इंजॉय करते हैं इस गेम को। तो इन्होंने फ्रूटी की बॉटल भी विन की। चलो अब देखते हैं भूत बंगला। फिर हमने देखा कि यहाँ पे बर्फ़ की गुफा भी है, तो उससे भी पहुँच के टिकट लेने के लिए, और ये इसका है प्रवेश द्वार। और
ये लिखा हुआ है इसके ऊपर बर्फ़ की गुफा। तो हम एंटर किए, यहाँ पे सैंडल उतारने पड़ते थे पहले, तो हमने शूज़ अपने रिमूव किए, सैंडल अपने रिमूव किए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन थी बहुत बड़ी कि एंट्रेंस कहाँ पे है, क्योंकि कुछ भी लिखा नहीं हुआ था एंट्रेंस और एग्ज़िट का। तो सभी कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि कुछ लोग बाहर आ रहे थे, कुछ लोग अंदर जा रहे थे। तो वो सामने आपको दिख रहा है ना वाइट सा, ये गुफा है। जैसे कि आप देखें कुछ लोग बाहर आ रहे हैं, तो हम फिर से वापस चले गए कि ये शायद एग्ज़िट है। तो फिर से हमें पता चला कि नहीं, ये एंट्रेंस ही है। ये बहुत कंफ्यूजिंग था क्योंकि उनको लिखना चाहिए कि ये एंट्रेंस है या एग्ज़िट है। तो फाइनली हमने एंट्री कर ही ली, लेकिन जब हमने अंदर जाके देखा, हमने देखा वहाँ पे सिर्फ एक थर्मोकोल्स की शीट्स बिछी हुई हैं और उसके ऊपर बर्फ़ के ढाले जैसे होते हैं ना बड़े बड़े पीस, वो रखे हुए हैं और ऊपर से चल के जाना है। तो यहाँ पे बहुत ही फिसलिंग थी और डरने का भी बहुत ज़्यादा वो रिस्क था। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही मत जाना, ये बकवास है, बिल्कुल बकवास। इसे देख के तो मुझे लंदन ब्रिज की याद आ गई। बर्फ की गुफा तो बहुत ही अमेजिंग थी, बर्फ के टुकड़े और फिसलन। सीरियसली गाइस प्यार जमी है, मतलब बर्फ की गुफा के नाम पे जनता के साथ बहुत ही पत्ता मजाक चल रहा है, हमारे तो प्यार कर गए। ये वाला व्लॉग तो बहुत ही मजेदार था। शोभा तुम्हें मजा आया? बहुत ज्यादा। लेकिन हम इंट्रो करना भूल गए क्योंकि ये ना एक अचानक से वाला प्लान बन गया था कि चलो, क्योंकि आपने हमें देखा ही होगा, हम रेडी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे बस चल पड़े। सडनली प्लान बन गया, बहुत फनी था सीरियसली। आपने वैसे वीडियो में देखा ही होगा। तो अब करते हैं इस व्लॉग को, करते हैं अभी यहाँ पे खत्म और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।